बुलेटिन में तमाम खबरों की करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के कर्णलेक के प्रोजेक्ट को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने प्रोजेक्ट का जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने शहर में जनता दरबार भी लगाया और करीब 25 लोगों की समस्याओं को सुना। करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना पर लगातार काम जारी है, साथ ही करनाल में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। कर्ण नगरी में कर्ण झील की शक्ल सूरत बदलकर इसे बेहद आकर्षक बनाया जाएगा। इसी के तहत सीएम मनोहर लाल ने कर्ण लेक के प्रोजेक्ट को लेकर बैठक की, जिसमें जिले के कई बड़े अधिकारी भी शामिल रहे। वहीं इस मौके पर सीएम मीडिया से मुखातिब भी हुए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पेट्रोल डीजल अपने देश में उपलब्ध नहीं होता, इसी वजह से इस पर खर्चा बढ़ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल पर रेवेन्यू लिया जाता है तो वो जनता के ही काम आता है। ये कोई अपने देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल होता नहीं है, आखिर ये सारी चीज़ें अधिकांश इसमें से इंपोर्ट होता है, और इंपोर्ट होने के बाद उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सब ड्यूटीज़ को मिला करके, और मार्केट के हवाले सारी चीज़ें हैं। डेली अप डाउन होता है, कभी महंगा भी होता है कभी सस्ता भी होता है। चूँकि आज से 4 साल 5 साल में ये 70-80 रुपये से लेकर के और कभी डाउन भी गया था और अब ये 80-90 रुपये के आसपास पहुंच गया है, तो ये 10-15% का एक पिछले 4-5 साल के अंदर ही उछाल आया है कुल मिलाकर। अब ये देखा जाए तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हर जो पैसा जेब से किसी से निकलता है, आखिर हमारी भी इच्छा होती है कि ना निकले कम रहे, तो उसके ऊपर नज़र तो रहती है सरकारों की। फिर भी सरकार का जो रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू अगर किसी भी चीज़ में दिया जाता है वो जनता के हित में ही आता है काम। एसडीओ भर्ती में दूसरे प्रदेशों के युवाओं के चुने जाने के सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर ही आरोप लगा दिए और कहा कि जो ऐसा बोल रहे हैं उनका असली चेहरा सामने आ गया है। जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उनका असली चेहरा ये सामने आया है। शिक्षक से क्यों कह रहा हूँ असली चेहरा सामने आया है कि ये जो कहते हैं कि हाँ इतने कम लोग आए, इन्होंने हिसाब ही नहीं लगाया है, कुल मिला करके 200 लोगों में से और 128-130 लोग वो हरियाणा के हैं। अभी अलग बात है कि अलग अलग कैटेगरीज में से हैं, रिजर्व कैटेगरी को तो ये अपना मानते ही नहीं है, यानी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं वो 100% हरियाणा से हैं, और 100% हरियाणा से हैं, आखिर इसका मतलब अनुसूचित जाति को अपना नहीं मानते, ये बैकवर्ड क्लास के लोगों को अपना नहीं मानते, इनकी असली चेहरा ये सामने आ गया है। किसान आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसानों को समझाने की कोशिश जारी है, इन तीनों कृषि कानूनों से किसानों को कोई नुकसान नहीं है। साथ ही सीएम ने किसान आंदोलन में सियासी लिंक के आरोप भी लगाए। हम धैर्य पूर्वक इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और हम समझा भी रहे हैं, हम बता भी रहे हैं हर मोर्चे पर कि ये तीनों जो बिल बने हुए हैं, इन तीनों बिलों में किसान का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसान का लाभ ही होगा। और चूँकि अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है, हमने ये भी कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी विषय को लेकर के किसान का नुकसान होता है तो हम हमेशा तैयार हैं उन चीज़ों को विड्रॉ करने के लिए। हमारे कहने से भी पहले केंद्र सरकार ने कह दिया है कि आप इसमें बताइए क्या गलत है, जो आप बताएंगे गलत है उसको ठीक करने के लिए 24 घंटे हमेशा हम तैयार हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल को लेकर के, एक पॉलिटिकल सपोर्ट को लेकर के, जिस प्रकार से एक यानी भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ जुड़े सब लोग एक तरफ और बाकी सब लोग एक तरफ, ऐसे लोग जिनको तीनों कानूनों को पढ़ा नहीं है, जिनको पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो भी विरोध के अंदर शामिल होते हैं, तो इसका मतलब ये कि किसान का विषय नहीं है ये विषय, किसान नेता भी जो पॉलिटिकल एंगल से जुड़े हुए हैं वो इसको देखते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। पिछले दिनों करनाल के नगर निगम में नो ड्यू सर्टिफिकेट में गड़बड़ी मामला सामने आया था, जिसको लेकर FIR भी दर्ज हो चुकी है। इस सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में है और दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। मामला दर्ज हुआ है, जब दर्ज हुआ तो उसके ऊपर पूरे जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाएंगे, उनको किसी को बख्शा नहीं। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने PWD रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया, वहीं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे लोग भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद काफी संतुष्ट दिखाई दिए। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिड्डा और कमरजीत विर्क की रिपोर्ट।